इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि प्रेशर बम की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत। जी हां, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। प्रेशर बम की चपेट में आने से लौह अयस्क खदान में काम कर रहे दो मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मजदूर घायल भी हो गया। शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आमदई लौह अयस्क खदान में क्षेत्र में प्रेशर बम की चपेट में आने से मजदूर रितेश गागड़ा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। हादसे में उमेश राणा घायल हो गया है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आमदई स्थित लौह अयस्क खदान में मजदूर प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को भी काम कर रहे थे, तभी खदान क्षेत्र में काम के दौरान एक मजदूर का पैर प्रेशर बम के ऊपर चला गया। इससे बम विस्फोटक हो गया और घटना में दो मजदूरों की मृत्यु भी हो गई और वहीं एक अन्य को घायल बताया गया। वैसे बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटना के बाद घटना स्थल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया, जहां बाद में पुलिस ने रितेश का शव और घायल उमेश को घटना स्थल से बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद लापता अन्य मजदूर श्रवण की तलाश की गई तो कुछ दूरी पर उसका भी शव बरामद कर लिया गया। इसी बीच पता चला कि घटना जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खदान में हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही और नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।